पुस्तक धारिणी और हंसा की असुवारी। भारद्वाज के कंठ परे सदा करो किलकार। तो गणपति की करे वंदना और गुरु चरणन चितलाए। सभा मध्य के बीच में कथा कहूं हर्षाय। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम राठौर के एसिड के माध्यम से भगवान शंकर पार्वती का विवाह आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। साथ में एक प्रश्न और आया है, आप ही लोगों का है कि विदाई देते समय, जब विदाई की जाती है उस समय मंडप के नीचे दूल्हा गूत छोड़ने जाता है, कहीं कहीं ये प्रथा है, इसका क्या कारण है? तो आइए कथा आरंभ करते हैं। सदा शिव भोले बाबा, सदा शिव भोले बाबा, तुमको मनावे भारद्वाज। सदा शिव भोले बाबा, तुमको मनावे भारद्वाज। सदा शिव भोले बाबा, तुमको मनावे भारद्वाज। मात मेरी पार्वती आना, मात मेरी पार्वती आना, संग में गणपति को लाना। ना दिया भूल न जाना, तुमको मनावे भारद्वाज। ना दिया भूल न जाना, तुमको मनावे भारद्वाज। सदा शिव शंभु अविनाशी, सदा शिव शंभु अविनाशी, छोड़ क्यों आ जा तू काशी। आना बाबा, छोड़ के आना तू काशी, बटेश्वर दर्शन दे जा, तुमको मनावे भारद्वाज। बटेश्वर दर्शन, सदा शिव भोले बाबा, तुमको मनावे भारद्वाज। सदा शिव, सदा शिव अमरनाथ बाबा, सदा शिव अमरनाथ बाबा, बोल दे कुरावली धावा। चलो हरिद्वार है द्वारा, तुमको मनावे भारद्वाज। चलो हरिद्वार है द्वारा, बसो घट घट में घट वासी, बसो घट घट में घट वासी, आज मेरी अखियां है प्यासी। ना दिया वारे बाबा,
तुम को मनावे भारद्वाज ना दिया वारे बाबा तुम को मनावे भारद्वाज सदा शिव भोले बाबा तुम को मनावे भारद्वाज घोट के भंग को बोला तुम को मनावे भारद्वाज घोट के भंग को बोला बाबा बाबा घोट के भंग को बोला तुम को मनावे भारद्वाज सदा शिव भगवत प्रेमियों आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवत प्रेमियों इन्हीं आदिशक्ति मां सती के पति से राजा दक्ष प्रजापति कटुक भावना रखता था, यहीं से कथा को आरंभ करते हैं। कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सुंदर और समुखी सयानी थी और फिर विवाह हुआ शिव शंकर से क्योंकि वो अष्ट भवानी थी। फिर विवाह इन्हें उमा और पार्वती अंबिका से ले जा कहती है जग जननी जगदम्बा मैया शिव की पटरानी कहती है जग जननी संपूर्ण जगत की महारानी तुम ही तो जग कल्याणी हो माँ तुम आदि शक्ति माँ जगदम्बा वैष्णो देवी वरदानी हो तुम आदि शक्ति श्रोताओ भगवान सदाशिव से कटुक भावना रखता था राजा दक्ष प्रजापति। एक दिन की बात कि राजा दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ कराया और उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ऋषि मुनि लोकपाल 33 करोड़ देवता पधारे। जैसे ही दक्ष ने आकर पैर रखा है जानते हो क्या हुआ कि बैठे सदाशिव आसन मार और ब्रह्मा विष्णु करे सत्कार और यज्ञ रचाई है जहां प्रजापति हाँ यज्ञ रचाई है जहां प्रजापति यज्ञ रचाई है जहां बैठे सदा शिव आसन मारे ब्रह्मा विष्णु करे सत्कार यज्ञ रचाई है जहां प्रजापति हाँ यज्ञ रचाई है दक्ष राजा देखे हो गए खड़े सारे राजा। जैसे दक्ष प्रजापति अंदर आया देख करके सारे राजा लोग और कई ब्राह्मण खड़े हो गए बैठे रहे आसन मारे ना उठे भोले भाले वो बाबा क्या बात है बैठे रहे आसन मारे ना उठे भोले भाले वो बाबा अरे क्रोध किया श्राप दिया बड़ा
अभिमानी है, भूतों का पति हाँ बड़ा अभिमानी है, भूतों का पति। और क्या बोला प्रजापति सबसे, भोला पाखंडी लोगो जन्म से। ये जन्म का पाखंडी है, कहने लगा है दत्त आदरी की भाषा न जाने, हमसे बोला नहीं देखो ढंग से। क्या क्रोध किया श्राप दिया, अरे बड़ा अभिमानी है भूतों का पति हाँ बड़ा अभिमानी है भूतों का पति। मेरे भगवत प्रेमियों, सबने राजा दक्ष को नमस्कार किया, लेकिन भगवान सदा से भोले बाबा आसन से टस से मस नहीं हुए। इतना अनादर उसे कहां सहन था। बीस सभा में हवन कुंड के पास खड़े होकर बोला, देखा लोकपालो, ये महादेव आप और हम सभी के यश को नष्ट करने वाला है, निर्लज्ज है, ये मेरे शिष्य भाव को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? इसने मेरी कन्या सती का पाणि ग्रहण किया है। देखा, देख करके भी इसने फूटे मुंह से वाणी द्वारा सत्कार नहीं किया। और क्या बोला है राजा, इस अभिमानी शिव शंकर को कन्या नहीं देना चाहता था, और ये तो मेरी मूर्खता है, मैं कभी न ऐसा चाहता था, ये तो मैं बोला है, ये नग्न शरीर खुले केसों का भूतों का ही स्वामी है। ये नंगे शरीर वाला भूतों का ही स्वामी हो सकता है, ये भूतों तक ही सीमित है, ऐसा ये अवडर दानी है, ये भूतों ओगड़ फकड़ धूनी लकड़ ये महादेव कहलाता है। गलकटे मुंड की माल पड़ी ये पूजा भंग कराता है, गलकटे मुंड ब्रह्मा के अनुसार हाथ में कन्या दे डाली, मैंने ब्रह्मा के अनुसार हाथ में कन्या दे डाली, अरे कन्या दे डाली, गले से हड्डी लटकाली, कन्या दे डाली, गले से हड्डी लटकाली, मैंने मैंने ब्रह्मा के अनुसार हाथ में कन्या दे डाली। श्रोताओं कहने लगा है, अरे जिसके हड्डियों के आभूषण हो भला ऐसा निर्लज्ज आदर भाव को क्या जाने। गोबर का कीड़ा गोबर में ही राजी रहता है। भूत पिशाचों का ही पति हो सकता है, ये पूजा पाठ में इसका क्या काम है। ये तो पिता श्री ब्रह्मा के कहे अनुसार कन्या को ब्याह दिया, वरना आजीवन रड़ुआ रहता। बस भगवत प्रेमियों इतना वचन कहा है, और पास में बैठा नादिया एकदम खड़ा हो गया तड़ाक से।
के अपने पति गुरु स्वामी की निंदा कोई सुन नहीं सकता है, और जो निंदा सुनता है भक्तो भव पार नहीं लग सकता है। जो मेरे सतगुरु गुलाब चंद ने चार गुरु बतलाए हैं, और ब्रह्म गुरु और परम गुरु आत्म गुरु सतगुरु पाए हैं। देखो ब्रह्म सतगुरु से क्या क्या मिलता है आगे की कथा में गाएंगे। भोले के नादिया की शादी इस कथा में हम दर्शाएंगे। सुन के लाल लाल भय नेत्र नादिया गोस्सा में आओ, सुन के लाल लाल भय नेत्र नादिया गोस्सा में आओ। अरे गोस्सा में आओ दक्ष को देख के घुनाओ, सुन के लाल लाल भय नेत्र नादिया। मेरे भगवत प्रेमियों, नादिया एकदम गुस्सा में कहने लगा है, रे दक्ष प्रजापति आज मैं तुझे शापित करूंगा, आज बिना शाप दिए हुए नहीं जाऊंगा। अरे लाल नेत्र भय नंदीश्वर के आगे कथा कही न जाए। चूड़ो नादिया आगे बढ़ेगा भोलेनाथ गए मुस्काए, और सुन सुन बातें प्रजापति की भूत प्रेत सब रहे चिल्लाए। और भूतनाथ भगवान सदा शिव सबको धीरज रहे बनाए। बोलो नादिया शिव शंकर को दक्ष को साप दियो तत्काल, भूले आत्मा को तू जावे पशु समान बने बेहाल। भूले आत्मा और क्या बोला है, काम वासना के अधीन हो सिर बकरा बन जावेगा। निंदा भोले की करते उनका घमंड मिट जावेगा। देखो निंदा जो भोले की निंदा करते हैं उनका आज घमंड मिटेगा। आगे बढ़ गया नंदी और कहने लगा, देखो ब्राह्मणों पूजा पाठ हवन यज्ञ इंसान ही करता है, लेकिन करते हैं भोले बाबा नाम हमारा तुम्हारा होता है। नादी आगे बढ़ा और तड़ाक से बोला, ब्राह्मणों जिसने भी भोलेनाथ की निंदा सुनी है उन्हें मेरा ये साप लगे कि आज के बाद तुम मांगने खाने वाले बनो। कई कई ब्राह्मणों को ना समझ लोग आज चुकटिया कह देते हैं, बुरा नहीं मानना सज्जनों। जिन ब्राह्मणों ने निंदा सुनी वही ब्राह्मण तो साफ बस युगों युगों तक मांग खाकर पेट भर रहे हैं, और जो सदा शिव के साथ उठकर चले आए थे उन्हें विद्वान एक जगह पर पूजने वाला स्वतः प्राप्त होता रहता है। ये श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है। आर बोला नादिया दक्ष राज से मेरा साप सत्य होगा। आज के बाद यज्ञ तेरा संपूर्ण नहीं कोई होगा। देखे आज के कई कराए यज्ञ प्रजापति पूर्ण नहीं कोई हो पाया। कई यज्ञ कराए लेकिन कोई पूरा नहीं हुआ। कोई नदी में बाढ़ के आने से सब अंग भंग होता पाया। कोई नदी में कोई नदी में बाढ़ आने से कोई आंधी तूफान से नष्ट होता रहा। क्यों? नंदी का साप था। एक दिन की बात, अब पार्वती ने कैसे जन्म लिया कहां लिया आइए। भगवान सदाशिव कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। सती जी बोली, भोले बाबा
हाँ प्रिय, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। क्या क्या कहो ना स्वामी। देखिए ना, हाँ हाँ बताओ क्या कहना चाहती हो। मैं कहना चाहती हूँ विजया सुलेखा लक्ष्मी सरस्वती आदि सब सखियाँ अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं। कहाँ पर? मेरे पिताजी के यहाँ। क्या है? यज्ञ हो रहा है। आप मुझे आज्ञा दें, आप भी चलें तो बहुत श्रेष्ठ होगा। भोलेनाथ कहने लगे कोई नेह निमंत्रण तो आया नहीं वहां से, ऐसे जाने में मुझे शर्म लगती है। नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। सती जी कहने लगी नहीं नहीं हमें आज्ञा दो। नहीं प्रिय, ये उचित नहीं होगा। क्या बोले भोले बाबा? हे प्रिय हमारे लिए कोई ना नेह निमंत्रण आया है, और तुमको विश्वास नहीं होता ना कोई बुलावा आया है तुमको। क्या बोली है? यदि नहीं निमंत्रण आया है तो लोग वहां क्यों जाते हैं? बोलो ना, क्यों जा रहे हैं सब सज धज के? क्यों जा रहे हैं? अपनी अपनी ले यार धांगने सज धज के खुशी मनाते हैं। अपनी अपनी भोलेनाथ कहने लगे हैं विश्वास करो हे दक्ष सुता, मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। नहीं पत्र दक्ष का आया है विश्वास पूर्वक कहता हूँ। नहीं नाथ, आप मुझे आज्ञा दें। नहीं नहीं, नादिया कहने लगा बीच में ही माताजी वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या क्या कहूँ ना, बिना बुलाए जाना अनादर का मार्ग बन जाता है। वैसे माताजी अपनी बुद्धि के अनुसार और भोले बाबा के सत्संग से प्राप्त मैं तो यही कहूँगा कि मित्र गुरु और भगवत चर्चा इन तीनों स्थान पर जाने में कोई दोष नहीं होता, परंतु वो आपका पीर है, सबको निमंत्रण भेजा लेकिन आपको है? आप तो उनकी पुत्री थी ना। नादिया तुम कहो ना। अब नादिया कहने लगा है भोले बाबा क्या बोले हैं कि विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। जो जाता है उसे जाने दो, पर तुम्हें नहीं बुलवाया है। नहीं स्वामी, बिन नेह निमंत्रण जाओगी, समझ रही हो? बिन नेह निमंत्रण जाओगी तो फिर पीछे पछताओगी। हट करती हो तो जाओ अभी, आदर सते कारण पाओगी। हट करती हो तो विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। जो जाता है उसे जाने दो, पर तुम्हें नहीं बुलवाया है।
अपनी बहनों और माता से। स्वामी नादिया बोला पास में जा करके बोलो ना। बोले बाबा ताली लगा कर क्या पता नहीं सुन पाए। अपनी बहनों और माता से स्वामी मिलने की इच्छा है, नहीं देखे बहुत दिनों से वो, नहीं देखे बहुत दिनों से वो, जाने की दे दो आज्ञा है, नहीं देखे बहुत। विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है, जो जाता है उसे जाने दो, पर तुम्हें नहीं बोले। मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार भोलेनाथ कहने लगे, नहीं देवी ये उचित नहीं होगा। नहीं बाबा। नादिया कहने लगा, वैसे अगर आपका हुक्म हो जाए तो मैं ले जा सकता हूँ। नादिया क्या कह रहे हो? ना ना ना, मैंने वैसे नहीं कहा भोले बाबा, आपकी आज्ञा के अनुसार ही ले जा सकता हूँ, वैसे मेरे बस का रोग नहीं है। माता जी इतना देख करके, और नादिया कहने लगा है, माताजी आप कहो ना। भोले बाबा एकदम मुस्कुराने लगे और कहने लगे, इच्छा आपकी है, मैं नहीं जा सकता, अगर हट करती हो चली जाओ, इतना देख। उधर क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, सती जी वहां पहुंचती हैं, सबने आदर सत्कार किया है, माता बहने सब मिलती हैं, लेकिन उस दुराचारी दक्ष प्रजापति ने जरा सा भी अपनी बिटिया की तरफ नहीं देखा। इतना देख करके सती जी एकदम लज्जा के मारे सिर झुक गया है, यदि वापस जाती हूं तो स्वामी को मुंह कैसे दिखाऊंगी, कैसे दिखाऊंगी, क्या कहूंगी। तुरंत ही एकदम कुंड में कूदी, बताते हैं लेकिन नहीं गलत है, कुछ विद्वानों के अनुसार कुंड में नहीं कूदी थी, कुंड के पास में ही योग माया द्वारा उन्होंने अग्नि प्रकट की और वहीं पर उन्हें भस्म होना पड़ा। अरे जैसे ही कुंड में माता कूदी, नंदी आज गहो घबराए, भगोना दिया शिव शंकर को भोला के जग पहुंचो जाए, और भर निडकारी रोवे नंदिए आगे हाल कहो न जाए, फूट फूट के नंदिए रोवे नीचे मुकट गिरो भेराय, जगत चरा चर के हे स्वामी आगे कई न जातिए, बोला ओ मैया कूदी अवन कुंड में धधक रही कब जाती है, और रोने लगा नादिया, बोला मैया कूदी हवन कुंड में धधक रही कब जाती है, सुन के नंदीश्वर को करुणा रस बहे, क्या सुन के नंदीश्वर को करुणा रस बहन, भोला ने तारी भोले दई, सुन के नंदीश्वर को करुणा रस बहन, भोला ने तारी। ए नादिया भोले के पास आया और कहने लगा, भोले बाबा भोला। भोले बाबा ने तारी को खोला है, कौन नंदी? बाबा गजब हो गया, बाबा गजब हो गया आज। क्या हुआ? अब क्या सोचो त्रपुरारी,
मैया गई स्वर्ग से धारी। बोला बोले बाबा क्या हुआ नादिया फिर से कहना। अब क्या सोचो चपरारी मैया गई स्वर्ग तिरारी। दुष्ट दक्ष ने देखा तक नहीं बाबा, दुष्ट पिता ने देखा तक नहीं बेइज्जत कर डारी। अब क्या सोचो चपुरारी मैया गई स्वर्ग से धारी। दुष्ट पिता ने देखा तक नहीं, दुष्ट दक्ष ने देखा तक नहीं बेइज्जत कर डारी। अब क्या सोचो चपुरारी ओ मैया गई स्वर्ग से धारी। क्या बोले लाश पड़ी है हवन कुंड पे अब क्या हो चपुरारी। बाबा बोला बेटा बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। लाश पड़ी है हवन कुंड पे अब क्या हो चपुरारी। नेत्र तीसरा खोल दे भोला भोला भोला, नेत्र तीसरा खोल दे भोला मेरी करवा सुवारी। नेत्र तीसरा खोल दे भोला दशराज को स्वर्ग लोक में है, दशराज को स्वर्ग लोक में पहुंचा दे त्रपुरारी। अब क्या होगा त्रपुरारी मैया गई स्वर्ग से धारी। अब क्या सोचो त्रपुरारी मैया गई स्वर्ग से धारी। भगवत प्रेमियों नादिया रोने लगा है। भोलेनाथ ने क्या किया नादिया, नादिया कुछ नहीं होगा, बस जटाओं को झटक दिया है। एक जटा को उखाड़ कर पत्थर से मार दिया, जैसे ही पत्थर से मारा और एक जटा जानते हो उसमें से कौन निकला है, वीरभद्र। हजार हाथ हजार पैर हजार मुख वाला बलशील भोले का गढ़ वीरभद्र आकर के सामने खड़ा हो गया। भोले बाबा ने बड़े प्रेम से उससे कहा है जाओ राजा दक्ष प्रजापति का शीश काट के लाना है। नादिया कहने लगा बहुत अच्छा बाबा, बाबा उस दुष्ट का तो सिर काटना ही अच्छा होगा। देखिए भगवत प्रेमियों अब आगे कथा सुनिएगा कि इनने जगदम्बे मैया ने कहां पर जन्म लिया और कैसे लिया। यहां वीरभद्र की उत्पत्ति ये कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। भगवान विष्णु जी आ गए और कहने लगे भोले नाथ। हाँ कहो। एस पूज्य परम प्रिय देवी को यदि जल प्रवाह करवाओगे। लाश पड़ी हुई थी और कहने लगे तो उचित नहीं होगा भोले और ना ही जला तुम पाओगे। तो ऐसा पूज्य परम प्रिय देवी को यदि जल प्रवाह करवाओगे। भोलेनाथ कहने लगे क्या करना चाहिए फिर।
तो उचित नहीं होगा भोले और ना ही जला तुम पाओगे तो उचित। जले हुए को जलाना भी उचित नहीं दिखाई देता है, इसलिए इन्हीं जगत माता के शरीर से कुछ मुख तीर्थ बनाने की इच्छा है। भगवान विष्णु कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे जैसे आपकी इच्छा। तो विष्णु ने चक्र चलाया और 51 टुकड़े हुए सती के शरीर के। जानते हो वो टुकड़े कहाँ कहाँ गिरे? जैसे हरिद्वार, नीमसार, काशी, मथुरा, अयोध्या, अमरनाथ, बटेश्वर आदि तीर्थ स्थल बने। तो आइए, उमा जन्म की कथा सुनो मेरे ददाया जो चितलाई, और हेमांचल घर आज रे छोटी सी कन्या। अरे मात मेरी आई भगवती आई, भगवती आई हेमांचल घर आज रे छोटी सी कन्या आई। अब करे आज कल्याण सुनो धर ध्यान जगत महामाई, और आसमान से देवता सब पुष्प रहे बरसाई। जब आसमान से और राजा हिमांचल गोद में कन्या को उठाए जब लियो, और राजा हिमांचल आज रे कन्या को गोद में लियो, और बार बार पुचकार रे छाती से लगाए बैलियो जन बार बार। क्या आज मेरे घर में अवतारी, और धन्य धन्य मेरे भागे आए गई मेरे घर अवतारी। मेरे राजा जी मैंने आगे को बड़ी है, मेरे राजा जी छोटी सी कन्या घर में आए गई है, मुख देख के चंदा उल जाए मेरे स्वामी जी छोटी सी कन्या घर में। ए अब क्या हुआ, इधर पार्वती जी का जन्म होता है, जगदम्बे मैया अवतार लेती हैं मैना के घर में। राजा हिमांचल को बड़ी खुशी होती है। इधर क्या होता है कि पार्वती का जन्म सुनो और नारद किया पयानु, वीणा में स्वर यति भरते करत हरि गुणगान। अब नारायण 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 आगे को बढ़ गए हैं। कौन? देवर्षि नारद जी। तो देवर्षि नारद जी की तो बात ही अलग है, आप लोग जानते हो। इनकी भी एक कथा आपके सामने भेजेंगे, बहुत ही सुंदर कथा है, ऐसी ही विष्णु लीला। देवर्षि नारद चले और विष्णु जी के पास पहुंचे। चल रहे हो कहां? वो आ गई। कहां पर वो? कौन? जगदम्बे मैया ने अवतार ले लिया है, चलना है। ये तो आपका काम है, आप जाइए पहले। नारायण नारायण, वो मैं तो जा ही रहा हूं। जैसे ही देवर्षि नारद जी आए नगर में, गांव में घुसते ही और पीछे से बच्चे आ गए। जानते हो कोई अटपटा काम हो जाए तो बच्चे पीछे पीछे भागते हैं, गंजी खोपड़ी के बाबा को देख करके। और जैसे ही बच्चे पीछे भागे, ए बाबा जी राम राम। एक बच्चा कहने लगा, बाबा की खोपड़िया कितनी चिकनी मालूम पड़ रही है। एक बच्चा कहने लगा, पीछे को हट जा, नहीं इसके पास बीड़ा है ना, इससे तेरी खोपड़िया चिकनी नहीं बहुत खुरखुरी हो जाएगी बेटा, पीछे को हो जा। नारायण नारायण नारायण, के जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण। क्या बोले? तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। बच्चा बोला, वो बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं
नारायण नारायण तुम्हें क्या काम। वो बच्चा कहने लगा, बाबा जी एक बात बताएं। क्या? अरे पीछे पीछे लड़े का डोले, पीछे पीछे लड़े का डोले, और कछु कड़वे बचन भी बोले। क्या बोले? एक बच्चा कहने लगा, ए ए ए इधर इधर आ, मैं बताता हूँ। बताना यार, वहीं से बताना। बाबा की चोटी है या फिर एरियल? वाह, तुझको तो सब कुछ मालूम है रे। हाँ हाँ, रंगीन टीवी का एरियल मालूम पड़ता है रे। हैं? हाँ, मुझे भी मालूम पड़ता है। बाबा की चोटी है या फिर एरियल? दूसरा बोला, कौन से स्कूल में पढ़ा है? मैं बताता हूँ। दूसरा बोलो जा को खो पड़ा है नारियल। और तीसरा कहने लगा, अरे जके नारियल में एरियल लटक रहा है, चलो खेतला में जके नारियल। बाबा जी कहने लगे, आना है बच्चे सामने नहीं आएगा, बीड़ा के हमारी खोपड़ा है ना, सब फूट जाएगा। जानते हो? बच्चा कहने लगो, बाबा है सनकी बाबा है, मार देगा, पीछे हट जा। आए जके नारियल में, हाय जके नारियल, ए जके नारियल में एरियल लटक रहा है, चलो खेतला में जके नारियल में, हाय जके नारियल में एरियल लटक रहा है, चलो आ आ आ आ एरियल एरियल लेगा? नहीं नहीं बाबा, मैं तुम्हारी कसम बाबा, मैं नहीं कहा बाबा तुम्हारी कसम। अब एक ठूंसा नाक में लग गया ना, एरियल नारियल सब निकल जाएंगे, अम्मा कक्का सब ध्यान में आ जाएंगे। चल भाग। बच्चा भाग, एकदम कहने लगे, भाग लो यहाँ से, फूट लो। एकदम क्या हुआ है, आगे बढ़ गए हैं देवसी नारद जी, नारायण नारायण। यहाँ के बच्चे हैं कौन है? देखिए, देवसी नारद को बच्चों से नफरत हुई थी, और ये नफरत का किस्सा हम आपको आगे भेजेंगे विष्णु लीला में। देखिए, आगे बढ़े दरवाजे पे, जैसे ही आए राजा हिमांचल के दरबार में प्रवेश किया है, द्वारपाल खड़ा हुआ था महाराज के पास, पहुंचा के लगा, महाराज महाराज, हाँ देवसी नारद जी आए हुए हैं। आज तो खुशी का दिन है, हमारी बेटिया ने जन्म लिया, इतनी बड़ी हो गई, फिर देवसी नारद जी भी आ गए, जाओ बुला के लाओ। आदर के साथ अंदर बुला लिया गया और सिंहासन पर बिठा दिया गया। नारायण नारायण नारायण। औरतों के बारे में आप जानते हैं? औरतों को दर्द होता है संतान का, संतान का दर्द कैसा होता है? एकदम कहने लगी, बाबा जी आप आ गए हो तो हमारी बिटिया की हस्तरेखा देख करके बताओ। बाबा जी देखो ना, नारायण नारायण, बुलाओ बिटिया को। पार्वती को बुला लिया गया और हाथ देख करके क्या कहने लगे हैं कि राजन ये कन्या शीलवती और कोमल स्वभाव वाली होगी, और सुंदर सुशील और समझदार संपन्न गुणों वाली होगी। सुंदर और क्या बोले, ऐसी तो तुम्हारी कन्या है। नहीं नहीं बाबा जी, और बताओ ना, इतने सुंदर गुण हमारी बिटिया में, हाँ लेकिन एक गुण और भी है, नंगा और बेसय मंगल हो पति मिले इसे चिमटा वाला। क्या? हाँ, नंगा और बेसय मंगल हो पति मिले इसे चिमटा वाला, माँ बाप के जिसका पता नहीं वैसा दूबे सजटा वाला, माँ बाप के। और क्या बोले, ये हस्तरेखा बतलाती है फिर चिंता की कोई बात नहीं। सुना? हाँ बताओ ना, ये हस्तरेखा बतलाती है फिर चिंता की कोई बात नहीं, जो होनी है सो होवेगी पर भाग्य किसका पता नहीं, जो होनी।
देवसी नारद जी कहने लगे आप चलने दीजिएगा। बस नहीं नहीं, मेरी बिटिया का भाग्य ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने जो बता दिया वो सत्य है, हैं? तुम्हारी बिटिया को कोड़ी पति मिलेगा। कैसे? मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे देवसी नारद जी। ये आपने बताया है या हकीकत में ये रेखा कह रही है? लो, मैं रेखाएं बनाता फिरता हूँ क्या? ये रेखा बता रही है, भाग्य की रेखा कह रही है, भेषा मंगल पति ऐसा मिलेगा। ये कल्पना की गई है मेरे भगवत प्रेमियों के, कोड़ी कलंकी ऐसा पति क्यों कि भेष रख लेते भोले बाबा ऐसे। तो क्या हुआ? मैना कहने लगी अब मुझे कुछ उपाय बताइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। क्या बोले देवसी नारद जी? के तप करे उमा श्री शंभू का तो होनहार मिट जावेगी, और संसार में बर बहु तेरे हैं पर शंकर ही को पावेगी। हाँ, बहुत से दूल्हा पड़े हैं लेकिन शंभू को ही पाएगी बिटिया तुम्हारी। नहीं नहीं, इतना कह नारद बाबा जी बस वहां से अंतर ध्यान हुए। आगे की कथा सुनाता हूँ किस तरह मुनि प्रस्थान किए। आगे की मेरे भगवत प्रेमियों अब आगे आइए। जैसे ही मुनराज आगे को बढ़े हैं क्या हुआ है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सबसे पहले पहुंच चुके थे भोले बाबा के पास और कहने लगे हे तीन लोक के त्रिपुरारी, हाँ कुछ आंखों से विवाह देखने की इच्छा है। क्या? हाँ आपने कहा था ना आज इच्छा जागृत हो गई है। हे तीन लोक के त्रिपुरारी, मैं आज प्रार्थना करता हूँ यदि विवाह की प्रभु जी हाँ कर दे तो पूरी बात बताता हूँ। यदि बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो? हाँ वो एक बात कहना चाहते हम लोग। बोलो ना, आप विवाह करेंगे? कर सकते हैं। हाँ बस बस आनंद आ गया भोलेनाथ, आपने हाँ कर दी। लेकिन उसमें कारण है। क्या? नारिया कहने लगो या को कारण नहीं मिटो जिंदगी में कभी। बोले फिर बम बम नाथ सुनो कन्या वो सदगुण वाली हो, पति सेवा में हो निपुण क्रोध मेरा वो सहने वाली हो। पति और क्या बोले कि हम कहे रहो तुम मरघट पे तो मरघट पर रह सकती हो। और क्या हम कहे करो तुम योग योग तो योगिनी बन बो सकती हो। देखो कहे आ देखिए भगवत प्रेमियों इतना कहा है तो भगवान विष्णु कहने लगे आप परीक्षा करके देख सकते हैं। इधर देवर्षि नारद जी आ गए, हमारी भी कुछ इच्छा है नारायण नारायण। देव ऋषि यदि ऐसी बात है मत करना तुम चर्चा है, आज परीक्षा लेऊं में जाकर कहां करे तप गिर जाए। इतना कहा है बस, क्या हुआ है आगे बढ़े हैं। उधर बिटिया तप कर रही थी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बेटी उठो, ओम नमः शिवाय। उठो बेटी, कौन कौन क्या कर रही हो? मैं भोले का तप कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ भूखा नंगा शमशान पर रहने वाले का है जिसके माँ बाप का आज तक पता नहीं उसका तप। ए ब्रह्मचारी मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो अनादर कर दूंगी अनादर अनादर की भाषा जानती हो है? कैसे किया जाता है? ब्राह्मणों का अनादर ही करना सीखा है और कुछ नहीं सीखा तुमने। तो क्या बोला ब्रह्मचारी?
कैसे नंगा भिक मंगा से और तुम शादी करना चाहती हो। और माँ बाप के जिसका पता नहीं शमशान पे रहना चाहती हो। माँ बाप के बिटिया मान जाओ ना, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया तुम्हारी, क्या समझ में आ गया? उस नारद जी के कहने पर जो शंकर को अपनाओगी वो जोगिन तुम्हें बनाएगा, तुम घर घर अलख जगाओगी। वो जोगिन तपहे तो दक्ष के पुत्रों को नारद ने वन भिजवाया था। क्या नहीं किया नारद जी ने, राजा दक्ष के पुत्रों को वन में भिजवा दिया था इसी तपस्या के हेतु, जानती? हाँ, तपहे तो दक्ष के पुत्रों को नारद ने वन भिजवाया था। नृपचित्र केतु के घर को भी मुनि ने चौपट करवाया था। नृप अरे बिटिया मेरो मान ले कहना, भांग धतूरा पड़ेगा तो ये पीना। और तुम राजा की हाय, तुम राजा की ठेरी देखो सुकुमारी कहे ब्रह्मचारी। तुम राजा की ठेरी देखो, हाय तुम राजा की ठेरी देखो सुकुमारी कहे ब्रह्मचारी। तुम राजा की ए तुम राजा की ठेरी देखो सुकुमारी राजा की सुकुमारी है ना, इसलिए समझा रहा हूँ। मुझे क्या पड़ी है, हट जाओ मेरे सामने से। बस भोले बाबा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। इधर जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए, क्या हुआ है, एकदम अंतर ध्यान हुए ना, तो मैया कहने लगी मुझसे गलती हो गई है, माफ करना माफ करना। भोलेनाथ माफ कर देना मुझे। चले आए भोले बाबा। नादिया कहने लगा बाबा बहुत काफी देर से देख रहे थे, आप आ जाओ। अब क्या हुआ ये बताओ, परीक्षा में मैया उत्तीर्ण हुई कि नहीं, और अगर पास भी हुई है कौन सी श्रेणी में हमारी माँ, बताओ ना। कुछ नहीं, ये कोई पास होना थोड़े ही है। क्या हुआ क्या हुआ बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम है भोले बाबा, तुम्हें मेरी कसम है बताओ ना। दो नंबर का ग्रेस दे करके पास कर दो तो क्या पास करना हो गया। चलो तो पास का नाम तो आ गया, पास तो हो गई, अब शादी तो होगी। हाँ शादी तो होगी। नादिया बोला बस, लेकिन एक बात और बता दूं बेसिक शिक्षा अधिकारी, तुम्हारी तो सकल परीक्षा में बैठने ही लायक नहीं है। क्या? हाँ, लेकिन बाबा बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, ये आपका नंदी है ना, आपके पास ही रहना चाहता है, बस ये सिलबट ना छूट जाए। नादिया ऐसा ही होगा, नादिया ऐसा ही होगा। अब क्या हुआ है मेरे भगवत प्रेमियों, अब लगन कब आएगी बताओ ना भोले बाबा। के बस लगन आने ही वाली है, आप देखिए। हे शंकर भोले मेरे, कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लगन लेकर के आ रहे हैं। और करो आज कल्याण, किस पर्वत पर हो प्रभु, भनक डाल दो कान। बस ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए। नादिया इधर इंतजार कर रहा है
खाना तक नहीं खाया। नादिया ने देखता देखता परेशान हो गया। भोले बाबा से कहता है कब आएंगे? अरे ध्यान मगन हो, ब्रह्मा जी ने आसन तुरत लगाया है और इधर सदा शिव शंकर जी ने डमरू हाथ उठाया है। क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उधर डमरू उठा लिया है भोले बाबा ने। डमक डमक डम डमरू बाजे धुन कानों में आई है। नादिया शिव शंकर को मन में गौ मुस्काई है। बैठो नादिया, ओम नमः शिवाय का जाप करो तो विपत्ति व्याधि हर लेते हैं। श्री शंकर जी का नाम रटो तो अंत मोच पद देते हैं। श्री शंकर निंदा करने वालों को वो घोर नरक ले जाते हैं। इनकी भक्ति में शक्ति है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसा मत कर देना भोले बाबा को, भुलाना नहीं कि गर्भ में लेटे और जमी पर लेटे जननी संग लेटे के बाल कहाए। जवान भय तिरिया संग लेटे और लेटत लेटत जन्म गमाए। क्षीर सागर में ओले तनहारे को नाम जुमा पर कबहू न लाए। और लेटत लेटत लेट भये खिचता पे लेटन के दिन। ऐसा नहीं कर देना, भुलाना नहीं भोले बाबा को। अब इधर क्या होता है मेरे भगवत प्रेमियों, हाय हाय, ब्रह्मा जी आ गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी आए हैं, अब तो नादिया खुश होकर के कहने लगा, लगो न आई हरे हरे, लगो न आई शिव अंगना, शंकर गण भूले न समाए। लगो न आई हरे हरे, लगो न आई शिव अंगना, शंकर गण भूले न समा। क्या? अरे ब्रह्मा जी ने लगुन सुनाई, हंस गए बम बम भोला। ब्रह्मा जी जब लगुन सुनावे हंस दे बम बम भोला। शंकर के गण ऐसे नाचे आए भांग को भोला। लगो न पड़े हरे हरे, लगो न पड़े दाए ब्रह्मा। अरे शुकर सनीचर खूब ही नाचे, पी गए भांग और गांजा। बोलो ना दिया परसों भोला, मेरा बने गो दूला राजा। जल्दी से भोला तुम चढ़ना। शंकर गण भूले ना समा, लगो न आई शिव अंगना। शंकर भूले न समा, लगो न आई हरे हरे, लगो न आई शिव अंगना। शंकर भूले न समा, लगो न आई हरे हरे, लगो न आई शिव अंगना। शिव शंकर भूले न समा।